पीएम मोदी की भक्ति का रंग, बज रहे करताल और मृदंग, आस्था का ये ढंग, प्रधानमंत्री के मन में उठती तरंग, पीएम को पास पाकर चेहरों पर दिखती ये उमंग, दंग कर देने वाली है। संत रविदास के दर पर मगन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो करताल बजाते हैं, रविदास के भजन गाते हैं और इस दौरान रविदास की शरण में पीएम झूम झूम कर जाते हैं। दरअसल संत रविदास की जयंती पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में भक्ति काल के महान संत रविदास के मंदिर पहुंचे तो उनकी भक्ति के रंग में रंग गए। महिलाओं की कीर्तन मंडली के बीच बैठे और जमकर करताल बजाया। इससे पहले उन्होंने संत रविदास के आगे मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया, मंदिर में प्रसाद भी चखा। पीएम मोदी ने जिन महिलाओं के साथ करताल और मंजीरा बजाया, भजन गाया, देखिए वो किस कदर उत्सव मना रही हैं। माघ पूर्णिमा को काशी के सीर गोवर्धन में चर्मकार कुल में जन्मे और जूते बनाकर परिवार चलाने वाले संत रविदास ने भक्ति काल के सबसे बड़े संत रामानंद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। आज यूपी से पंजाब और हरियाणा तक उनके लाखों अनुयायी हैं। जीवन भर वो जात पात के खिलाफ लड़ते रहे और आज रविदास की जयंती पर पीएम मोदी उनके मंदिर में पहुंचे। दिल्ली के करोल बाग में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट पहुंचे। रविदास जयंती की वजह से ही पंजाब की 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा, पहले ये 14 तारीख को होना था। पीएम मोदी ने पठानकोट की रैली में संत रविदास का दोहा भी सुनाया, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो मौका चुनावी है और जीत के लिए वोट जरूरी है, लिहाजा जात पात से ऊपर समाज की सेवा का संदेश देने वाले संत रविदास के नाम पर सियासत तेज है। हर दल अपनी दाल गलाने के लिए दलितों का हितैषी बन रहा है। देखना ये होगा कि दलित इस चुनाव में किसकी दाल गलाएंगे। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहें TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।